तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास आज एक सेट आया हुआ है, ये जो इसका मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये इसका F81E मॉडल है, आपको दिखा देता हूँ ये F81E। तो दोस्तों आप इसका जो F81E मॉडल है इसमें क्या प्रॉब्लम, ये हैंग लोगो पे रुक जाता है। जैसे कि मोबाइल को मैं ऑन करता हूँ ये इसी लोगो पे रुक जाता है, ये ऑन नहीं होता है, इसी लोगो पे ये रुक जाता है। तो इसको आज फ्लैशिंग करके हम इसको ठीक करने वाला हूँ। तो फ्लैशिंग किस तरीके से करेंगे दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए और उस वीडियो को देख के आप कोई भी जैसे कि मोबाइल को बना सकोगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक भी करते जाइएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सॉफ्टवेयर है, आप अगर पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करने की तरीका। इसका जो सबसे आसान तरीका, अपने क्रोम ब्राउज़र पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सम, और जैसे कि मैं आपकी जियो का 81 मॉडल का फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है तो मैं आपको ना जियो 81E का जो फ्लैश फाइल है, तो दोस्तों देखिए 81 सर्च किया तो यहाँ पे फ्लैश फाइल आ चुका है। यहाँ तो फ्लैश फाइल पे क्लिक किया तो जैसे पहला लिंक है यहाँ पे, तो लाइव का जो जियो फ़ोन का जो F81E वर्किंग फ्लैश फाइल है, तो मैं पहला ही कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर पहला ही लिंक पे इसमें क्लिक करके देख लेता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये आपका लेटेस्ट फाइल आया 2020 का, इस पर एक स्पीडी टूल SPD टूल्स जो फ्लैश टूल इसमें फ्लैश करने में हमें काम आएगा, तो इसको इस टूल को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये दोनों को जैसे कि इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, 181 MB का है, देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ और उसके बाद आपको ये SPD का जो फ्लैश टूल है इसका एक टूल्स भी आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप जो आपका लेटेस्ट वर्जन है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके रखा हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं दोनों फाइल इसका डाउनलोड करके रखा हूँ और दोनों फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये SPD का टूल्स जो है, तो मैं यहाँ पे दोनों को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने PC में एक्सेप्ट करके, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको फ्लैश करना है। दोस्तों ये दोनों फाइल को मैंने चेक कर लिया, देख लीजिए। और उसके बाद आपको सिंपली जो भी आपका लैपटॉप में एंटीवायरस है सब, या PC में कोई भी एंटीवायरस है, उसको डिसेबल आप कर दीजिए 15 मिनट या आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट के लिए ही कर लेता हूँ क्योंकि मैं 15 मिनट में सॉफ्टवेयर कर लूँगा अपना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने सिंपली आपको टूल्स ओपन कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए टूल्स जो है ये हमारा, इसको ओपन इसको कर लेना है, जैसे कि मेरा ये ओपन हो गया। उसके बाद सिंपली आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके यहाँ पे आप जहाँ पे भी रखे हो आप फाइल डाउनलोड करके, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ तो डेस्कटॉप पे ये देखिए मेरा ये जो फाइल है 81 का, इस पर आपको एक जो ये फाइल जो है इसको चूज़ करके हम सिंपली ओपन कर लेना है। ये हमारा यहाँ पे देखिए ये फाइल मेरा इस टूल्स पर आ चुका है। उसके बाद सिंपली आपको कनेक्ट करना, तो मैं कनेक्ट करने के लिए पहले आपको बता दिया हूँ इसका जो बूट की है 5 है, Y जैसे कि F81E का जो बूट किया है 5 है। तो मैं 5 देखिए मैं यहाँ पे शो भी करता होगा आपका बगल में, सिंपली इस तरीके से आपको इसका बूट की दबा के 5 जो है बाई 5 बूट की है, उसके बाद उसको सिंपली दबा के डाटा केबल को हमें कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डाटा केबल कनेक्ट हो रहा है। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट मेरा नहीं हुआ, फिर से मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोबारा से मैं कनेक्ट किया उसको, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल मैनेजर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा ये जो टूल्स कनेक्ट जो होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी पे आके इसका डिवाइस मैनेजर पे आके मैं यहाँ पे पोर्ट पे आके, अभी देखिए मेरा यहाँ पे कोई SPD का टूल्स यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं है। तो सिंपली मैं इसको थोड़ी देर में मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डाटा केबल लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं कर रहा है। तो मैं दूसरा डाटा केबल लगा के इसको सिंपली एक बार बैटरी को ओपन करके मैं लगा देता हूँ। तो देखिए
देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा SPID का जो USB है ये सपोर्ट ले लिया है, और सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे ही स्टार्ट पे किया तो सिंपली देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, वेटिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से आप प्रो इसका फ्लैश कर सकते हो दोस्तों। तो मैं हमेशा इस चैनल पे कोई जेन्युइन चीज़ ही बनाते रहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं कोई भी हमें अगर कोई भी वीडियो बनाने से पहले हमें अगर संतुष्टि मिलती है उसी वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड करूँ इस चैनल पर तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे और उस वीडियो को आप देख सकोगे। तो देखिए बहुत इजी प्रोसेस है, अगर इस तरह से कोई भी मोबाइल आपके पास आए फ्लैश करने के लिए, तो अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड हमारे इस चैनल पे कर दूंगा वीडियो बना के। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई खास कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग करने वाली बात नहीं है, तो इस तरह से आप फ्लैश कर सकते हैं। देखिए हमारा फ्लैश भी हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा पॉज किया हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग हो चुका है, यहाँ पे आएगा हमारा डन लिखा हुआ है अभी। तो देखिए हमारा ये फिनिशिंग हो चुका है, और मैं मोबाइल को ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारा ये मोबाइल एक बार बैटरी को निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मोबाइल मेरा ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा कनेक्ट ये रेडी हो चुका है, सॉफ्टवेयर पूरा हो चुका है। यहाँ पे मोबाइल भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरा फ्लैशिंग हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें बताने के लिए कोई खास वजह नहीं है। तो मैं वीडियो हमेशा इस चैनल पर बना के डालते रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों मोबाइल थोड़ा ऑन हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, मैं वीडियो को हल्का हल्का पॉज करता हूँ थोड़ा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मोबाइल मेरा ऑन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका ये जो मोबाइल मेरा पूरी अच्छी तरह से ऑन हो चुका है, और इसका आप सेटअप भी कर लीजिएगा आसानी से। तो सेटअप आप हमको पता है कि आप सेटअप भी कर लीजिएगा आसानी से, तो इस तरह से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड करने की तरीका भी बता दिया हूँ, और इसे किस तरह से फ्लैश करेंगे वो तरीका भी आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीख मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।